आदरणीय श्रोतागण, राजपूत कैसेट के माध्यम से भगवान श्याम सुंदर की बाल लीला किस तरीका से उन्होंने वृंदावन में जाकर के सब सखाओं के साथ में मां यशोदा के आंगन में बाल लीलाएं की, जिस समय गाय चराने के लिए भगवान श्याम सुंदर आने जाने लगे हैं, भोजराज कंस किसी न किसी राक्षस को भेजता है, खेल ही खेल में उन राक्षसों का भगवान श्याम सुंदर वध करते हैं। एक दिन भगवान कन्हैया सब ग्वालों को साथ लेकर के गाय चराने के लिए जब यमुना नदी के किनारे पहुंचे हैं, वहां जाकर के भगवान योगी राज कृष्ण ने सखाओं के साथ में कि बछड़ों को चौंती से बिखरा करूं, माखन रोटी को घोल लिया, अपने अपने हिस्सा में से ग्वालों ने सबको बांट दिया। अपने अपने हिस्सा करके ग्वालन ने सबको बांट दिया। श्याम सुंदर ने सब ग्वालों से एक बात कही, ग्वालो आज अपना अपना माखन सब मेरे पास लेके आओ, क्योंकि आज हम ये देखेंगे कि किसके घर में अच्छे तरीका से माखन जमाया जाता, किसकी मां माखन को अच्छे तरीके से जमाती है। ग्वालों ने तो श्याम सुंदर की सीख मान ली, लेकिन मनसुखा कहने लगा मैं ऐसा नहीं करेंगे। बोलो मनसुखा ठीक तो है, बोलो मनसुखा ठीक तो है, क्यों मान ले तेरी हम पत्थर खाए के बैठ रहे, दे दे सब दही परीक्षा को। मनसुखा कहने लगा मैं ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम अपनी माखन लाकर के तुम्हें जांच करने के लिए दे दें, फिर हम क्या ईंट पत्थर खाएं। तो श्याम सुंदर ने सब ग्वालों को छोड़ करके और मनसुखा के पीछे पीछे भागने लगे हैं। दोस्तों इधर तो भगवान योगी राज कृष्ण सब ग्वालों के साथ में बाल लीलाएं कर रहे हैं और इधर भोजराज कंस की सभा लगी है, लेकिन कंस के चेहरा पर बहुत उदासी है कि बड़े वीर बलवान बैठ गए आने आसन पे, भाई गड़कन को हुई रो नाच रे के खुशी रही अति छाई। कंसराज के सभा लगी है, गड़काओं का नृत्य हो रहा है और दोस्तों सभा से आई कंसराज के
सभा लगी है, गणिकाएं गीत गा रही हैं, लेकिन भोजराज कंस के चेहरा पर उदासी है। उसी समय ब्रह्मा पुत्र नारद का पदार्पण हुआ और बाबा नारद को आते हुए देख करके कंसराज ने बड़ा उनका सम्मान किया। आसन दयो न भाई प्रेम से नारद लय बैठारी, आसन दयो न भाई प्रेम से नारद लय बैठारी, हाथ जोड़ के कंसराज ने उनसे गिराई उचारी। सुन राजा की बात के नारद रहे हैं बात बताई। बाबा नारद को आते हुए देख करके भोजराज कंस ने बड़ा सुंदर आसन डाला और नारद को बैठा लिया। पूछने लगा श्रीमन कहां से आना हुआ। नारद जी जवाब देने लगे, कंसराज साधुओं का कोई ठिकाना नहीं होता, साधु तो हर समय यूं ही चलते ही रहते हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? कंसराज, पहले जब कभी मैं आया करता था तुम्हारे पास या तुम्हारी सभा में तो तुम्हारा चेहरा सूर्य की तरह से दमक रहा था, बात बात पर मुस्कराना ये तुम्हारा स्वभाव बन चुका था, तुम्हारा चेहरा एक प्रसन्नता का घर था, लेकिन अब पता नहीं तुम्हें क्या हुआ जो तुम बहुत उदास रहते हो। बाबा नारद बोले, कंस नारद बोले, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिन है बसंत के खिलने में। बसंत के खेलने में पर कली सिकुड़ती जाती है, नारद कहने लगे कंसराज, जाहिर में कोई बात नहीं, जाहिर में कोई बात नहीं, पर शोक साफ दिखलाता है फूल की तरह भूला मो क्यों। फूल की तरह भूला मो क्यों, दिन दिन मुरझाता जाता है। बाबा नारद पूछने लगे हैं, भोजराज कंस, पहले जब कभी आया करता था तुम हर समय मुस्कराते रहते थे, लेकिन अब समझ में नहीं आता बात क्या है जो तुम इतने उदास रहते हो। अरे तुम्हें कोई अगर बीमारी है तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर के उसका इलाज कराओ, अगर तुम्हें किसी की शंका है तो तुम्हारे पास बहुत बड़े राक्षस हैं, उसके ऊपर धावा बोल दो। कंसराज, मर्ज को, दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मा पुत्र नारद के ये वचन सुनने के बाद में दोस्तों भोजराज कंस के चेहरा पर उदासी और ज्यादा आ गई और कहने लगा, बाबा जी उदासी की बात जो आप कर रहे हैं तो बीमारी तो हमें ऐसी लगी है जिस बीमारी का मैं जितना इलाज कराता हूं उतनी बीमारी बढ़ जाती है, कम नहीं होती। क्या मतलब? दुनिया में ऐसी मर्ज कौन सी है जो इलाज कराने से बढ़ जाती। तो कंसराज कहने लगा, बाबा जी मथुरा में तो आप आए हैं, गोकुल की तरफ कभी नजर की है आपने? क्या मतलब? बताया कि नारद, गोकुल में एक नंद नाम का यादव रहता था। हां, बात सब यह है कि वो नंद नाम का यादव, उसे तो आप अच्छे तरीका से जानते हैं, आप तो जानते ही होंगे, गोकुल में नंद कहता था।
अंधा था भोला भाला था गैयन से गुजर चलाता था। जवाब दिया है कि गोकुल में जो नंद नाम का यादव रहता था, जो बहुत ही सीधा सज्जन था, गायों से गुजर किया करता था, लेकिन सुना जाता है कि आजकल वो बहुत पैसे वाला है, उसका तो दिमाग ही ढूंढे नहीं मिलता। तो बाबा नारद कहने लगे, भोजराज कंस ये तुम्हारी भूल है। अरे किसी ने मेहनत करने के बाद में दो पैसा इकट्ठे कर लिए और मेहनत करने के बाद तकलीफ उठाने के बाद जिंदगी में थोड़ा सुख प्राप्त हो गया तो तुम्हें आपत्ति क्या है। कहने लगा, बाबा आपत्ति वाली बात तो दूसरी है। कौन सी? कि वो छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा बर्बाद किया, देखो यही रखी बुद्धि को, देखो नंद की बुद्धि को, बन वृंदावन आबाद किया। वो वृंदावन जहां पर तुलसी का वन था, गोकुल को छोड़ करके सारा मौजा बर्बाद कर डाला और उस तुलसी के वन में जा करके सुंदर महलों को बना करके वृंदावन को आबाद कर डाला। बात तो सब ये है बाबा नारद, बस उसी यही रखे दो छोरे बलराम कृष्ण कहलाते हैं, हाय बेई काल हमारे हैं, ऐसो ज्योतिषी बताते हैं। बाबा नारद, नंद बाबा के घर में दो बालक हैं कन्हैया और बलराम। विद्वानों का यह कहना है कि वही दोनों हमारे काल हैं और उन्हें मारने के लिए हमने एक नहीं अनेक राक्षस भेजे, लेकिन अफसोस सद अफसोस किसी राक्षस ने लौट करके आज तक यही नहीं बताया कृष्ण है तू है कैसा। पता नहीं कैसा है वो कन्हैया और बलराम, जो मैं जिस राक्षस को भेज देता हूं वो लौट के ही नहीं आता। तो बाबा नारद मुस्करा करके कहने लगे, कंसराज मैं ये जानता था कि तुम बड़े बहादुर हो, लेकिन आज पता चला कि कभी कभी कायरों जैसी बातें करना भी तुम्हें आती हैं। क्या मतलब? मतलब यह है कंसराज, कन्हैया और बलराम को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कैसी? तो नारद कहने लगे कि बोलो तो क्या बंधन होगा और मकड़ी के धागा कच्चे से, और तुम खूब डर गए राजन। खूब डर गए राजन, ना कुछ यादव के बच्चे से। ब्रह्मपुत्र नारद कहने लगे, भोजराज कंस, मकड़ी अगर अपने मुंह से इंसान के चारों तरफ जाल बिछा दे तो कोई जाल नहीं होता। बोले तो क्या बंधन होगा, तो मऊ खूब डर गए राजन, ना कुछ यही रखे बच्चे से। कहा, मकड़ी अगर अपने मुंह से इंसान के चारों तरफ जाल बिछा दे, कंसराज दो जाल नहीं माना जाता, कन्हैया और बलराम को मारना तुम्हारे लिए गुड्डा और गुड़ियों जैसा खेल है, तुम तो राजा हो और जब चाहो तब उन दोनों को पकड़ के जान से मार दो। कंस कहने लगा, बाबा ये आपने क्या कहा कि गुड्डा और गुड़ियों का खेल, उन्हें तो मारने के लिए मैंने अघासुर बकासुर पूतना सकटासुर तृणाव्रत पता नहीं कितने राक्षस भेजे, लेकिन क्या बताएं, तकदीर ही ऐसी कमजोर हो गई जो कि मैं अपने काम में असमर्थ रहा, मैंने उन्हें मार नहीं पाया। तो बाबा नारद कहने लगे, एक काम करो। क्या? तुम तो राजा हो, कोई झूठा अंजाम लगा करके या कुछ भी करके सब यादवों को पकड़ करके वृंदावन से मथुरा की जेल में भर दो, और जेल में डालने के बाद
जब चाहो तब उन दोनों को पकड़ के मार देना, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। तो कंस कहने लगा, बाबा ये बात समझ में नहीं आई। कैसी समझ में ये नहीं आया कि अगर कोई आज्ञा का उल्लंघन हो, कोई उनसे ऐसी भूल गलती उनसे बने जिसके ऊपर हम उन्हें जेल में डालें और बिना मतलब के आदमों को छेड़ दिया, तो बाबा नारद निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, आन पे जान जो दे दे उसे अहीर कहते हैं। कंस कहने लगा, बाबा नारद निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, आन पे जान जो दे दे उसे अहीर कहते हैं। जवाब दिया है नारद, बिना मतलब को अहीरों को छेड़ना मौत को दावत देना है, इसलिए कोई और बात बताओ, ये बात समझ में नहीं आई। नारद जी कहने लगे, कंसराज अब मेरी समझ में आ चुका है। ये तो तुम जानते ही हो कि काली देह में कालिया नाग रहता है। हाँ तुम ये भी जानते हो कि उसी काली देह में कमल के फूल भी हैं। नंद बाबा के लिए खत लिखो और साफ साफ उस चिट्ठी में लिख दो कि काली देह से कमल के फूल हमारे लिए भेज दिए जाएं। देखता हूं कौन सा वो बहादुर है जो काली देह में जाकर के उस कालिया नाग से टकराए। कंसराज जानते हो फूल मंगवाने का मतलब? नहीं बाबा। नारद बोले, कंस चिट्ठी लिखो कि कमल के फूल हमारे लिए भेज दिए जाएं। कन्हैया और बलराम दोनों इतने शैतान हैं कि किसी की बात मानेंगे नहीं, और काली देह से जब कमल के फूल लेने के लिए जाएंगे तो कालिया नांग के जहर के कारण दोनों बही खत्म हो जाएंगे, और अगर फूल न भेजे जाएं तो तुम उन्हें पकड़ के जेल में डाल देना। वो फूल तोड़ बे जाना ही, काल के गाल में जाना है, हर्रा फिट करी नहीं लगती दोनों का मारा जाना है। नारद जवाब देने लगे, भोगराज कंस फिट करी नहीं लगती दोनों का मारा जाना है। भोजराज कंस काली देह से कमल के फूल मंगवाओ, देखे फिर किन की हिम्मत है जो गोता बहा लगाता है। खुले शब्दों में बाबा नारद कहने लगे हैं, कंसराज कमल के फूल मंगवाओ उस काली देह से, देखता हूं कौन सा वो बहादुर है जो कालिया नांग से टकराए। ये वचन सुनने के बाद में कंसराज बड़ा ही प्रसन्न हुआ। भक्तों बाबा नारद के चले जाने के बाद भोजराज कंस ने एक खत लिखा है वृंदावन के लिए, और चिट्ठी में साफ साफ लिख दिया है, यादवों के नेता बाबा नंद किसी कारणवश हमें कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, तुम्हारे नजदीक जो काली देह पड़ता है उसमें कमल के फूल हैं,
परसों तक आप दो छपरिया कमल के फूल लेकर के हमारी सभा में हाजिर हो जाओ। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे सभी बिरादरी बालों को पकड़ करके हम मथुरा की जेल में भर देंगे। नीचे कंसराज ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। दोस्तों, ये खत जाकर के वृंदावन में पहुंचा। बाबा नंद ने पढ़ा, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। यशोदा ने आकर के पूछा, क्या हुआ? जवाब दिया, भद्रे कुछ न पूछो, जिस दिन से कन्हैया और बलराम ने हमारे घर में जन्म लिया है उस दिन से मेरे बच्चों का दावादार पीछा नहीं छोड़ रहा। यशोदा, प्राणन प्यारी कंसन काली दसे फूल मंगाए, हे यशोदा कंसन काली दसे कमल के फूल मंगाए, बाकी धमकी सुन के नारी के प्राण मेरे घबराए। मेरी नारी भूल जो ना भेजे तत्काल, सब याद बन को तो देखो नारी नरक में डाली, दुलान जेल में जाए लला मेरो कांपे भटके वो प्यारी जेल में जब चले जाए कन्हैया का मेरो घूमे गो, दुल्हन जेल में जाए आई लला मेरो कांपे भटके वो। कहने लगे, यशोदा कंसराज ने कमल के फूल काली देह से मंगवाए हैं, कमल के फूल अगर काली देह से नहीं भेजे गए, सभी यादवों को पकड़ करके कंसराज मथुरा की जेल में भर देगा। भक्तों, यशोदा माँ ने जिस वक्त ये सुना है तो आंगन में बैठ करके बुरी तरह से रोने लगी। नंद बाबा भी रोने लगे। यहां तक हुआ कि इसी बात के शोक ही शोक में उस दिन घर में भोजन तक नहीं बना। श्याम सुंदर जब सब ग्वालों के साथ में लौट करके घर में आए हैं, यशोदा मैया के नजदीक पहुंचे और कहने लगे, मां मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। यशोदा, मांग रहो माखन रोटी गोपाल भैया, मांगत माखन रोटी गोपाल भैया, कन्हैया ने माँ से ये कहा है कि माँ मुझे भूख लगी है। ये सुधा बैठी आंगन में रोवे, ये सुधा बैठी आंगन में रोवे, अंगना में रोवे, कब रही बोटी बोटी गोपाल भैया, मांग तुम माखन रोटी कन्हैया भैया। यशोदा माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। भक्तों, श्याम सुंदर के ये वचन सुनने के बाद में यशोदा आंगन से उठ करके चली हैं और महल के अंदर जा करके भोजन लेके आई और भोजन कन्हैया के सामने परोस दिया और रो करके एक वचन कहा, बेटा श्याम, मैया बोली खाई ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को कल से क्या पता हमें बेटा तरसना पड़ेगा भांजी को। माँ यशोदा ने रो करके श्याम सुंदर से कहा है, लाला भोजन कर लो, आज के बाद मुझे नहीं पता है कि मैंने तुम्हें भोजन करवा पाया या न करवा पाया।
दूध दही और माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी, तेरे बाबा बंधे कहीं होंगे जा यशोदा बंधी कहीं होगी। इस दूध दही और माखन से साई दया भेंट नहीं होगी, तेरे बाबा बंधे कहीं होंगे जा यशोदा बंधी कहीं होगी। रो करके कहने लगी लाला भोजन कर लो, इस दूध दही और माखन से शायद तेरी भेंट नहीं होगी, तेरे बाबा कहीं बंधे होंगे और यशोदा कहीं बंधी होगी। दोस्तों, भगवान योगी राज कृष्ण ने जिस वक्त मां यशोदा के नेत्रों में आंसू देखे, भोजन को छोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे मां मैं भोजन नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये बताओ कौन है वो कमीन जिसने तुम्हारे इस बुढ़ापे की आंखों में आंसू छलकवाए, कौन थी वो मां जिसने उस पहलवान को जन्म दे करके सियाना किया है। मां उस सरकस को बतला तो दे और कह दे एक सर से काट डालू, जिसने कुछ जबान चलाई हो बाकी जीव के पकड़ काट डालू। कौन था वो कमीन जिसने तुम्हारे आंखों में आंसू बनवाए? इसलिए मां सच बोलो, शायद तुम नहीं जानती हो कि हम में और बलराम भैया में कितनी शक्ति है। यदि आज्ञा तेरी पाई जाऊं तो ब्रह्मांड के अबे हिलाई डाले, तो सूरज चांद को अरे निकल जाए और यम को खाक मिलाई डाले। सच बोलो मां यशोदा, मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मां आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुमने रो करके ये वचन क्यों कही? मैया यशोदा, तुम नहीं जानती हो कि भैया मारे को जो एक लात तो सात को सूड़ जाएगा। हाँ, समाज में मेरे एक तमाचे में वो नीचन उठने पाएगा। इसलिए सच कहो मां, तुम रोई क्यों? बलराम भैया के एक तमाचे में वो इंसान उठ नहीं सकता, और हमें भी जानती हो मां, यशोदा ने कहा है लाला, ये खत भेजा है कंसराज ने, कमल के फूल काली दह से मंगवाए, और कमल के फूल अगर न भेजे गए तो हम लोगों को जेल में भरने की धमकी उसने दी है। और कोई बात नहीं है मोहन, श्याम सुंदर मुस्करा करके कहने लगे मां घबराओ नहीं, अगर जेल में भरने की धमकी दी है तो तुम भी कंसराज के लिए खत लिखो और साफ साफ उस चिट्ठी में लिख दो कि जेल में भरने की धमकी जो हम यादवों को दे रहा है वो चोर और बदमाशों को दे, ये जेल हमारे लिए जेल नहीं है बल्कि जेल हम यदवंशियों के लिए सत्याग्रह मंदिर है, इसलिए मां तुम हमें भोजन दे दो। समझाया है यशोदा मैया?
हंस के कहन लगे बनबारी और सब चिंता बिहोरी बिसारी। अरे घर में बैठो महतारी और मोहन ने गिरा रे उचारी। श्याम सुंदर ने कहा है यशोदा माँ से कि मैया तुम हमें भोजन दे दो और जो भी होगा वो सब देखा जाएगा। माँ यशोदा के नजदीक बैठ करके मनमोहन ने भोजन किया और भोजन करने के बाद में दोस्तों वहां से निकल करके बाहर चले। जितने भी ग्वाल बाल थे सबको अपने नजदीक बुलाया। मनसुखा, दामा, संकील, मदन, बलराम, भगवान श्याम सब ग्वाल जब एकत्रित हुए कन्हैया कहने लगे, भैया आज कोई ऐसा खेल खेलें जिससे कुछ समय भी व्यतीत हो और आनंद भी आए। मनसुखा जवाब देने लगा, श्याम खेल तो भाई हैं सब रोज वाले, अच्छा नहीं लगता, कोई नया खेल खेला जाए तो ज्यादा अच्छा लगे। तो दामा कहने लगा, श्याम मेरी मैया ने कल एक बड़ी सुंदर गेंद बनाई, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि गेंद हमारी कहीं चली न जाए, कहीं खो न जाए, और गेंद धोखा से भी अगर कहीं चली गई तो मैं तुमसे अपनी यही गेंद मंगवा लेंगे। कन्हैया कहने लगे, दामा गेंद खेलवे को जब नंबर आओ है तो तू शर्तें पहले से लगान लगो, गेंद खोने के लिए तो नहीं जाएंगे बल्कि हम और तुम सब खेलने के लिए, और यहां नहीं खेलेंगे, आज सब ग्वाल बाल काली देह के किनारे पर गेंद खेलने चलेंगे। कहने लगा, सो तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चलो, लेकिन जाई बात को ध्यान रखियो कि गेंद कौन चली न जाए। सब ग्वाल चले हैं, आगे आगे मनमोहन है, पीछे से सब ग्वाल उछलते कूदते हुए, और दामा कुछ कहता हुआ कि मेरी सुंदर गेंद सब आई है वे चलो खेली आई है। हम जीते और कन्हैये हरे, मोहन की जम चतुराई है रे चलो खेलिए है, मेरी सुंदर गेंद सबाई है रे चलो खेलिए है। करके सब ग्वालों को साथ बुला करके भगवान योगी राज कृष्ण काली देह के नजदीक पहुंचे और कहा, मनमोहन ने ग्वालो तुम सब काली देह की तरफ खड़े हो जाओ और मैं विपरीत दिशा में खड़ा होऊंगा। यह वचन सुन करके कहने लगे, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। तो सब ग्वालों को काली देह की तरफ खड़ा किया मुरली मनोहर ने और खुद विपरीत दिशा में खड़े हो गए। लेकिन दामा ने फिर भी वही बात दोहराई और ये कहा, देखो श्याम मेरी गेंद कहीं चली न जाए, खोई न जाए। तो मनसुखा बोलो, अरे कन्हैया काय को जागी बात न में लगो, गेंद कहां है जाके। श्याम बोले, गेंद तो मेरे हाथ में है। तो दामा ने फिर श्याम के नजदीक आए कि जय बात कही कि लाला गेंद चली न जाए। तो मनसुखा बोलो, अरे कन्हैया छोड़ जा की बात, अरे जिद मती ठाने लाला बात कछु मान ले। मनसुखा कहने लगा, जिद मती ठाने लाला बात कछु मान ले, कहा जा की गेंद बाए हाथ में निकाल ले। भगवान श्याम सुंदर ने
अरे सब ग्वाल लगाए बातन में डंडा ले ले हाथन में हो डंडा ले ले हाथन में डंडा कन्हैया जब खड़े हो गए ग्वालों की तरफ गेंद फेंकते हुए कहने लगे मनसुखा गेंद आ रही है। अरे मारो जब टोल लाला कसी की करारो है ए, मारो जब टोल काना कसी की करारो है गेंद पीछे भाग भाग मनसुखा हारो है। भगवान कन्हैया ने जब गेंद फेंकी दोस्तों और इतनी तेजी से गेंद फेंकी मारो जब टोल काना कसी की करारो है गेंद पीछे भाग भाग मनसुख आहारो है। पसीना आएगा सब तन में डंडा ले ले आतन में हो डंडा ले ले आतन में हो डंडा। इतनी तेजी से गेंद फेंकी कि मनसुखा पीछे भागता रहा लेकिन गेंद हाथ में नहीं आई और गेंद जब काली देह में गिरी गई रोबे अब ठाड़े हाय हाय तो चिल्लाई है रोबे अब ठाड़े हाय हाय तो चिल्लाई है कहा मेरी गेंद दिए मोकू तू कहाई है। आंसू भर गेंद जब नहीं आई दोस्तों और गेंद जा करके जब काली देह में गिरी गई दामा भागा और भाग करके भगवान कन्हैया की कमर को पकड़ लिया। श्याम तुमने जानबूझ करके हमारी गेंद काली देह में फेंकी। भगवान कन्हैया कहने लगे दामा इतनी बुरी तरह से चीख क्यों रहा है तेरी गेंद धोखा से चली गई और यशोदा मैया से कह करके हम तुझे दूसरी गेंद बनवा करके दे देंगे। दामा कहने लगा कुछ नहीं बात तो बाद में गेंद पहले चाहिए खेलने से पहले ही मैंने तुमसे बार बार ये कहा था कि मेरी गेंद कहीं चली न जाए। श्याम सुंदर कहने लगे दामा मेरे पीताम्बर को छोड़ दे पीताम्बर फट जाएगा। दामा मेरी बात समझने की कोशिश दामा कहने लगा बात तो बाद में गेंद पहले। भगवान कन्हैया बोले ओरे दामा ओ दामा ना कुछ मसले पर और क्यों बिस्सू उखाड़े देता है उस सड़े हुए चिथड़े पर क्या पीतंबर फाड़े देता है। दामा दामा मेरी बात सुन। दामा दामा कहने लगा बात बाद में गेंद पहले। दामा दामा पीतांबर पर या सोदा मैया से कह करके तुझे दूसरी गेंद बनवा के दे देंगे। दामा ओ दामा ना कुछ मसला पे क्यों बिस्सू उखाड़े देता है उस सड़े हुए चिथड़े पर क्यों पीतांबर फाड़े देता है। दामा मेरी बात सुन। दामा कहने लगा श्याम गेंद चाहिए बही गेंद मंगवा लूंगा। भगवान कन्हैया बोले ओरे नादान मेरी कमर को छोड़ दे ओ पगला पर ना अब मेरी बारी है और एक तमाचो लग बैठो तेरी खत्म हो दमदारी है। मुंह से लोहू डालेगा और
से पालेगा। दामा, एक छोटी सी गेंद के पीछे क्या तू हमें पागल समझ रहा है? अरे तेरी गेंद चली गई काली देह में, मैं मानता हूं, और यशोदा मैया से कह करके तुझे हम दूसरी गेंद बनवा करके दे देंगे। तो दामा कहने लगा, श्याम सुंदर आज हमसे ये कह रहे कि तमाचा मार देंगे। कन्हैया, तुम एक तमाचो मारोगे तो मेरी लाठी भी हिलती है, दद माखन तुमने खायो है तो छाछ हमें भी मिलती है। हमसे कह रहे कि तमाचा मारें, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे साथ खेलने नहीं आऊंगा, कभी तुम्हारे साथ गाय लेके नहीं जाऊंगा, तब देखूंगा। जब दो दिन हमें न पाओगे तब खुद ही ठिकाने आओगे, देखना तुम्हें फिर घबरा के दामा दामा चिल्लाओगे। जवाब दिया, आज ये कहते हो कि तमाचा मार देंगे, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी खेलने के लिए नहीं आऊंगा, कभी तुम्हारे साथ गाय लेके नहीं जाऊंगा, कभी तुम्हारे साथ माखन चुराने के लिए नहीं जाऊंगा। हमसे ये कह रहे कि तमाचा मार देंगे, अगर ऐसे ही होते तो यशोदा मैया से पूछो, नंद बाबा से पूछो, कंसराज के यहां से जब से चिट्ठी आई है उस वक्त से घर में खाना नहीं बना। श्याम, फूल जो मंगाए हैं कंसराज ने, ये फूल तुम्हारे आगे हैं, तुम भी पूरे बलधारी हो। समझे कि तब बन भारी हो। दामा कहने लगा, कन्हैया हमसे कह रहे कि तमाचा मार देंगे, कंसराज ने जो कमल के फूल मंगवाए हैं ये फूल भी तुम्हारे आ गए और तुम भी पूरे बलधारी हो, ले आओ इन्हें तोड़ करके तब हम समझेंगे तुम बन भारी हो। श्याम सुंदर कहने लगे, ओरे दामा ज्यादा बड़ी बात बोलने की कोशिश ना कर अभागी, तू फूल फूल चिल्लाता है तो मैं फूल तोड़ के लाऊंगा, और पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। मनोहर ने, ओरे दामा कंस की धौंस क्या दे रहा है, देख लेना एक दिन वो होगा जो तेरी नजरों के सामने ही कंस राज को धूल में मिला देना है। दोस्तों ये वचन सुनने के बाद में दामा ने फिर भी अपनी जबान को वापस नहीं लिया, वही बात कहता रहा। श्याम सुंदर ने झटका दे करके अपनी कमर को छुड़ाया और कहा, ओरे दामा जादे बात कह कह के और दामा पानी चढ़ा नहीं, तू खेलो है सदा लड़कियन में तो एक काम मरद उसे पड़ा नहीं।
पड़ा नहीं। झटका दे के कमर को झुड़ाया और भाग करके कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। इतना कह के कुंड में कूद गए गोपाल, इतना कह के कुंड में कूद पड़े गोपाल। हुआ बिना ब्रज राज के ब्रज समाज बेहाल। कदम के वृक्ष पर चढ़े और काली देह में छलांग लगा गए। दोस्तों, श्याम सुंदर जब काली देह में कूद गए, सब ग्वाल बाल खड़े होकर के बुरी तरह से रोने लगे, मिलजुल करके दामा को गालियां देने लगे। दामा भी भागता हुआ यशोदा माँ के सामने गिर पड़ा और कहने लगा, मैया मुझे मार डालो, मैं बड़ा अभागा हूं जो मैंने जरा सी गेंद के पीछे पीतांबर बाला खो डाला। यशुमति मैया से बोले ग्वाल बाला, यमुना में डूबो मैया तेरो नाद लाला। सुमति मैया से बोले ग्वाल बाला, यमुना में डूबो मैया तेरो नाद लाला। जाकर के ग्वालों ने कहा है, मैया यशोदा कन्हैया काली देह में गिर पड़ो। एक तो कंस के दुख से ही दुखी थे दोस्तों, जब ये सुना कि श्याम सुंदर काली देह में गिर गए। कि यशोदा चिल्लाई दहाड़ मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गए। बाबा ने पीट कर मात कहायो, कुमर कन्हैया कहाँ गए। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। वृंदावन वाले बोले उठे, ओ ब्रज रखवाले कहाँ गए। गौए रोई चिड़िया चहकियो, बंसी वाले कहाँ गए। बेहाल हो गया घर घर का, अरे कोई किसी से नहीं बोले। गैया खूटन को तोरी भजी, पछी रही गए तो चोंची खोले। माया सोदा बाबा नंद सभी गोपियां ग्वाल बालों के साथ में भागते हुए जब काली देह के नजदीक गए हैं दोस्तों, और यशोदा उस काली देह में कूदने के लिए जब भागी हैं, तो बलराम ने आके पकड़ लिया और जवाब दिया, पागल ना बनो मैया, जिन्हें तुम अपना लड़का समझती हो वो लड़का अवतारी है, भगवान है, बालक समझ करके इस तरीका से अज्ञानपन मत दिखाओ यशोदा, तसल्ली धारण करो और कुछ समय के बाद में श्याम सुंदर आ जाएंगे। तो यशोदा बोली लाड़िले, अब का धारू धीर, श्याम नीर में छुप गयो मेरो श्याम शरीर। कहने लगी है, अब धीर को धरने से क्या होता है। लाला बलराम, अगर तू भाई अवतारी बताए रहो है तो बिनर है या अवतारी है, हम दोनों ही तरह भिकारिन है। बिनर है या अवतारी है, हम दोनों ही तरह भिकारिन है। बल
कन्हैया बुलबाए देवक प्रेमक मैं ही पुजारिन है। जवाब दिया है बलराम, अगर तू भाई अवतारी बता रहे है लाला तो वे अवतारी है चाहे इंसान है लेकिन हमारे पास में बुलवा दो। ये वचन सुनने के बाद में बलराम ने बहुत समझाया यशोदा मैया घबराओ नहीं आ जाएंगे। तो यशोदा को पकड़ करके इधर बलराम बैठ गए और सबको तसल्ली देते हुए कहने लगे हैं वृंदावन के लोगों, जरा सी उम्र में जिन्होंने ऐसे राक्षसों का वध किया है तो वो कोई साधारण इंसान तो नहीं है। इधर भगवान कन्हैया कालिया नांग के नजदीक पहुंचे, देखा कि नाग गहरी नींद में सो रहा है, नागिनियां जग रही। तो एक नागिनी आगे बढ़ी और कहने लगी, पागल हो गए क्या जो भागते चले आ रहे, ये तुम्हारा सौभाग्य है जो हमारे पति अभी गहरी नींद में सो रहे हैं, अगर वो जग गए तो उनकी श्वास में तेरी श्वास का अंत हो जाएगा, इसलिए तू पीछे लौट जा। के बोली बेटा भाग जा जल्दी, क्यों नाहक जान दे रहा है। सौभाग्य समझ अपना बेटा जो काली नाग सो रहा है। नागिनियां कहने लगी, ये तुम्हारा सौभाग्य है जो हमारे पति गहरी नींद में सो रहे, पीछे लौट जाओ। कन्हैया जवाब देने लगे, ओरी नागिनिया, तू जिसकी रागिनी मैंने बहुत दिनों से सुनी है वो भाई तो सुनाने लगी, अरे मैं तो उसी के पास उससे मिलने के लिए आया हूं, तू हमें डरपाने लगी, छोटा वो हमें बता रही है तू तो हम ही जैसे छोटे बालक दुष्टों का गर्भ गिराएंगे। हम यद बंसी बंसी बाले बंसी अज ही बजाएंगे। अगर तुझे पति के ऊपर घमंड है नागिनिया ते जगाए तनिक अपने पति को, कुछ बात उसी से करना है। जब मरने को ही आया हूं तो फिर मरने से क्या डरना है। कन्हैया कहने लगे कि नागिनिया अगर तुझे अपने पति के ऊपर घमंड है तो इसे जगा दे, मैं भी देख लूं कि कितनी शक्ति है तेरे पति के अंदर। तो एक नागिनिया कहने लगी, तू पीछे लौट जाओ, देखो तुम्हारी मां तुम्हारे बगैर रो रो करके खत्म हो जाएगी, मैं इसलिए तुम्हें समझा रही हूं। श्याम सुंदर ने कोई बात नहीं सुनी और भगवान कन्हैया नागिनियों से जवाब देने लगे हैं कि जगाए से मैं भी देखें कितना बाहुबल है तेरे पति के अंदर। उसी वक्त श्याम आगे बढ़े, कालिया नाग जहां सो रहा था वहां पहुंचे। इतना के हर ने नाग की पूछ गुदो दबाए तो फुंकारी भरता हुआ उठो सांप सन्नाए। इतना के हरे नाग की पूछ कुदो दबाए फुंकारी भरता हुआ उठो सांप सन्नाए। भन भन सननन की धुन करके जो कन्हैया ने पैर रखा, कालिया नाग एकदम से श्याम के ऊपर झपटा,
डांडिया नांग के मुंह से जब फुसकार निकलती है दोस्तों, यमुना का पानी बुरी तरह से खोलने लगा। फू फू फुंकार निकलते ही मुंह से जग धागे छूट पड़ी, यमुना को पानी खोल गयो ज्वाला जैसी लपटे छूट पड़ी। अब तो कालिया नांग के फन के ऊपर मुरली मनोहर सवार हुए। दोस्तों ऐसा ही नहीं, उससे पहले ही झपट करके चारों तरफ से घेर लिया मुरली मनोहर के शरीर से। जब कालिया नांग चिपट गया और मुंह से जब फुसकार निकलती है ज्वाला जैसी लपटें छूट रही हैं, श्याम सुंदर ने जब देखा कि मैं चारों तरफ से घिर गया तो कन्हैया ने अपने शरीर को गर्म किया और इतना गर्म किया कि घबराए के काली तूरी हुआ त्यू ही मोहन ने हाथ किया। घबराए के काली तूरी हुआ त्यू ही मोहन ने हाथ किया, धीरे से नथनी पिचका दी झट काली नाग को नाथ लिया। कालिया नाग को नाथ लिया, फन के ऊपर जब सवार हुए, मुंह से जो फुसकार छूट रही थी ज्वाला जैसी लपटें, अब वो लपटें कहां है? ज्वाल भई पे चला खून पाके मुंह से यमुना की धारा लाल भई। जिस फन को ऊपर उठाता है कालिया नांग, श्याम सुंदर उसी के ऊपर पैर रख देते हैं। दोस्तों ज्वाला जैसी लपटें जो छूट रही थी, यमुना जो खोलने लगी थी, अब वो ज्वाला की लपटें गायब हैं। कालिया नांग के मुंह से खून बहने लगा, जो यमुना की धार भी लाल होकर के बहने लगी। दोस्तों मस्त होकर के भगवान श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान करता हुआ कालिया नांग जिस समय अपने अभिमान को छोड़ करके नृत्य करने लगा, नागिनियों ने आकर के जवाब दिया है श्याम सुंदर से कि माफ करना, हम तो वैसे भी तामसी जीव हैं, आपकी महिमाओं को नहीं समझ सके। श्याम सुंदर ने कालिया नांग के द्वारा ही कमल के फूल मंगवाए हैं और कमल के फूल लेकर के जिस समय कंसराज के लिए भिजवाए हैं, माँ यशोदा के पास में कालिया नांग जब फन के ऊपर बिठाल करके छोड़ने के लिए गया है, यशोदा ने कलेजे से लगा लिया। सभी लोग इस तरीका से खुश हुए हैं जिस तरीका से जीव आत्मा के शरीर में पड़ने के बाद में सब इंद्रियां चलने लगती हैं। दोस्तों जय बोलो कृष्ण कन्हैया।